हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सेशन 115 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट 2 है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। गो टू स्टार्ट एंड ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन यूजिंग सेव एज ऑप्शन इन सेव टैब फाइल टैब टू सेव प्रेजेंटेशन। क्या करना है, सबसे पहले पावर पॉइंट पर आएंगे, ओपन से ओपन कर लेते हैं, और क्या करना है फाइल पे आना है, सेव एज पे आएंगे, डेस्कटॉप चूज करेंगे, और यहाँ से प्रेजेंटेशन के नाम से क्या करना है इसे सेव कर देना है। आंसर के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। इंसर्ट सिलेक्शन हेडर स्लाइड यूजिंग न्यू स्लाइड इन होम टैब। क्या करना है, एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है, तो होम टैब के न्यू स्लाइड पे आएंगे और यहां से एक नया स्लाइड को ऑन कर लेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। चेंज द थीम एंड चेंज स्लाइड साइज टू वाइड स्क्रीन यूजिंग डिजाइन टैब। अब क्या करना है, इसका थीम भी चेंज करना है और वाइड स्क्रीन भी करना है। सबसे पहले डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ से आपका थीम आएंगे, यहाँ से कोई भी एक थीम को चेंज कर लेंगे, और यहाँ से स्लाइड साइज पे आएंगे और यहाँ से वाइड स्क्रीन ऑलरेडी है क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। यूजिंग शो ग्रुप इन व्यू टैब इंसर्ट रूलर। क्या करना है, इसे रूलर को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले व्यू टैब में आएंगे और यहाँ से रूलर है चेक करेंगे, गाइडलाइंस को चेक करके अनचेक कर देंगे और आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फोर नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर देते हैं। इंसर्ट कमेंट हाफ डन इन सेकेंड स्लाइड यूजिंग इंसर्ट टैब। क्या करना है, एक सेकेंड स्लाइड में क्या करना है इसे कमेंट करना है, तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में आएंगे, न्यू स्लाइड में आएंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे एक सेकेंड स्लाइड। अब क्या करना है, इसमें कमेंट करना है, तो कमेंट ग्रुप में कमेंट पे आएंगे और यहाँ से इस कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है आपका, हाफ डन। ठीक है, चलिए यहाँ से इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कमेंट में आकर के इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। ठीक है, और एंटर की प्रेस कर देंगे। चलिए इस प्रकार से आपका कमेंट अप्लाई हो चुका है, सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर ऑफ फ्लावर इन यूजिंग पिक्चर इन इंसर्ट टैब। क्या करना है, इंसर्ट टैब से एक फूल का पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर पे आएंगे और फूल का नहीं है, कोई भी एक अन्य पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अनसेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ऑफ बेसिक ब्लॉक लिस्ट फ्रॉम स्मार्ट आर्ट यूजिंग इंसर्ट टैब। क्या करना है, एक स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब में आएंगे और इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, लिस्ट में आएंगे और लिस्ट से एक कोई भी अपने पसंद से स्मार्ट आर्ट को अप्लाई करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे।
इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपका बार बार पावर पॉइंट ऑन करना पड़ा इसलिए क्योंकि आपका पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन है। इंसर्ट डेट एंड टाइम फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप यूजिंग इंसर्टर। क्या करना है, इंसर्टर के टेक्स्ट ग्रुप से डेट एंड टाइम को ऐड करना है। चलिए आपका टेक्स्ट ग्रुप ये रहा, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, डेट एंड टाइम को चेक करेंगे और अप्लाई टू ऑल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इजीली क्वेश्चन है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ से पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। यूजिंग ट्रांजिशन गिव फेड ट्रांजिशन टू स्लाइड एंड एड ड्यूरेशन 0.25 फ्रॉम टाइमिंग ग्रुप। क्या करना है, इसे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो सबसे ट्रांजिशन टैब में आएंगे और यहाँ से फेड अप्लाई करना है, ठीक है। फेड पे क्लिक करेंगे और इसका ड्यूरेशन क्या करना है, 2.5 करना है। तो 0.25 और एंटर की प्रेस करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ से पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। यूजिंग स्लाइड शो टैब फ्रॉम सेट अप ग्रुप हाइड साइड। क्या करना है, सबसे पहले स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ यहाँ से क्या करना है, सेटअप ग्रुप में आकर के और स्लाइड को हाइड कर देंगे। तो हाइड साइड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हाइड हो चुका है, आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। यस आई एम पे क्लिक करेंगे, इन एग्जाम को इस टेक्स्ट बॉक्स में ड्रैग करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे जब तक ओके का विंडो हाईलाइट ना हो जाए। चलिए यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। अटेम्प्ट 2 था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।